गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। मूल्यांकन कार्य के लिए 135 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, जीआईसी लोहाघाट में बनाए गए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन सेंटर में शनिवार से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी जीआईसी लोहाघाट के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षा कार्यों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर से लगभग 135 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। चौबे जी ने बताया कि आज पहले सत्र में मूल्यांकन में लगे शिक्षकों की ब्रीफिंग करके मूल्यांकन के बारे में उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा उन्हें ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस अत्यंत महत्वपूर्ण ड्यूटी को निभाने की गुजारिश भी की गई। दूसरे सत्र में बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य 29 अप्रैल तक चलेगा। मूल्यांकन कार्य के पहले सत्र में हुई ब्रीफिंग शिक्षा में शिक्षा विभाग का कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी शिक्षकों को दिशा निर्देश देने के लिए मौजूद नहीं था। सर, हमारे इस बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज में आज से मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है, तो इसमें लगभग हमारे 135 लगभग शिक्षकों की जो अंकेक्षक, पर्यवेक्षक और जो प्रधान परीक्षक के रूप में परीक्षकगण यहाँ पर आए हैं, उन सभी के द्वारा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का ये मूल्यांकन का कार्य किया जाना है, और जिसमें तमाम हमारी व्यवस्थाओं में इस विद्यालय का पूरा स्टाफ लगा हुआ है और पूरे जनपद से हमारे यहाँ जो शिक्षक अन्य जनपदों से भी यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए हर संभव हमने कोशिश की है कि आवास से लेकर तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर पूर्ण हों, और साथ ही एक बच्चे के साथ जो न्याय करने के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कि बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल उन्हें अच्छे ढंग से मिल पाए और भी पॉजिटिव के रूप में हमारे यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि स्टेप वाइज मूल्यांकन होगा, और उसके साथ ही इन परीक्षकों को इसलिए यहाँ पर पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन से पूर्व प्रशिक्षण का ये आज सत्र चला है, और इसके बाद द्वितीय सत्र में हमारे प्रधान परीक्षकों द्वारा कम से कम 10-20 कॉपियों का हर टेबल में यहाँ पर मूल्यांकन होगा, और एक मार्किंग स्कीम के हिसाब से उनके अंक का विभाजन करते हुए उन बच्चों के साथ न्याय करने की कोशिश की जाएगी। यही हमारे इस उत्तराखंड बोर्ड के इस मूल्यांकन कार्य का एक हमारा यहाँ पर काम है, तो उसी कार्य को करने के लिए हमारे तमाम प्रशिक्षक लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। अधिकारियों के लिए तो अधिकारी सर लोगों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनका दायित्व है, हम अपने दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं और अपने दायित्व का निर्वहन उनको भी करना चाहिए, ये उनकी समझ में होना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन जरूर है कि हमारा मार्गदर्शन हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है, जो कि रामनगर में हमारे बोर्ड के द्वारा जो उच्चाधिकारी हमारे जो वहाँ पर हैं, सचिव हैं, डायरेक्टर महोदय हैं, उन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन जनपद स्तर से यहाँ पर न तो कोई प्रतिनिधि न खुद हमारे जो नियंत्रक महोदय हैं नहीं आए, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह, बिस्ट की रिपोर्ट।